कंबाइंड मीन, मीन का एक बहुत ही नया ट्रेंड, लेटेस्ट ट्रेंड में है। कंबाइंड मीन का मतलब क्या होता है, छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए क्लास 11th के दो सेक्शन हैं, ठीक है, दोनों सेक्शन के अंदर इंग्लिश पढ़ाई जा रही है। सेक्शन ए के कुछ बच्चे हैं उनका एक अलग मीन है, और सेक्शन बी के कुछ बच्चे हैं उनका एक अलग मीन है। लेकिन अगर मैं पूरी क्लास 11th का ऐसा होल मीन निकालता हूं तो मीन अलग आएगा। तो जो अलग निकालने का तरीका है वही आपका कंबाइंड मीन है। एक छोटे से क्वेश्चन समझेंगे, क्वेश्चन समझने से पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कंबाइंड मीन का फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों कंबाइंड मीन का हमारा फॉर्मूला होता है मीन 1, 2, 3 तक भी जा सकता है, ठीक है, इक्वल्स टू मीन 1 × n1 प्लस मीन 2 × n2 प्लस मीन 3 × n3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, ठीक है। वैसे तो मैक्सिमम केसेस में कंबाइंड मीन में 1 और 2 सिर्फ दो डेटा गिवन होते हैं, फिर भी मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 तक जा सकता है, और बाकी आपकी किस्मत है, हो सकता है शायद 4 तक भी चला जाए। लेकिन मेरे हिसाब से 3 तक जाना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो आपका फॉर्मूला क्या है, मीन 1 × n1, मीन 1 आपको क्वेश्चन मेंशन करेगा, n1 मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो कि फर्स्ट वाले केस में मेंशन करा जाएगा, मीन 2 आपको मेंशन करेगा क्वेश्चन नंबर ऑफ टर्म्स जो कि दूसरे वाले केस में वो भी मेंशन करा जाएगा। अगर मीन 3 तक आया तो फिर तीसरे वाले मेंशन करा जाएगा केस, और n3 भी मेंशन करा जाएगा केस, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अपॉन में n1 n2 n3 प्लस करेंगे और बाद में फाइनली इसको डिवाइड कर देंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन लेके चलते हैं, पहले क्वेश्चन लिखेंगे उसके बाद उस क्वेश्चन का कंबाइंड मीन हम लोग निकालेंगे। छोटा सा क्वेश्चन आपके सामने, ध्यान से देखिए, ठीक है। द मीन ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ 11th A, ठीक है, 11th A सेक्शन है, इन इंग्लिश इज 24, एंड द मीन ऑफ 30 स्टूडेंट ऑफ 11th B इज 34, फाइंड द कंबाइंड मीन और मीन टेकन एज होल। कंबाइंड मीन को या तो कंबाइंड मीन के नाम से ही जानेंगे या फिर मीन टेकन एज होल के नाम से भी पूछा जा सकता है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। वर्ड को थोड़ा सा ध्यान के चलेंगे, क्या है क्वेश्चन उसकी सेंस को समझ के चलेंगे, और कंबाइंड मीन को आराम से और सोच समझ के आप लोग करेंगे। फिलहाल एक बार ऊपर लिख देते हैं हेडिंग हमारा, कंबाइंड मीन का फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है, कंबाइंड मीन, ठीक है, जिसपे हमारे पास दो या दो से ज्यादा मीन होते हैं और हम सीरीज को ऐसा कॉम्बिनेशन की तरफ लेके चलते हैं। आप फिलहाल पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या फिगर हमें क्वेश्चन मेंशन कर रहा है। द मीन ऑफ 20 स्टूडेंट, भाई जो स्टूडेंट होंगे हमारे जितने भी वो सारे n1 n2 नंबर ऑफ स्टूडेंट या नंबर के फॉर्म में आते हैं, ये हमारा n1 कहलाएगा, ठीक है। उसके बाद द मीन ऑफ 20 स्टूडेंट ऑफ 11th A इन इंग्लिश इज 24, मीन कितना है 24, आई रिपीट मीन कितना है 24, तो आपका मीन 1 आ गया 24, क्वेश्चन मेंशन कर रहा है। एंड द मीन ऑफ 30 स्टूडेंट है ऊपर सी बात होगी n2 होगा आपका, ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे n2 हो गया, और आपको जो मीन दे रखा है 11th B का वो दे रखा है 34, ये आपका मीन 2 हो गया, ये वो आपका मीन 2, ठीक है। आपके पास क्वेश्चन में n1 है n2 है मीन 1 है मीन 2 है और आपको कंबाइंड मीन निकालना है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट वैल्यू रखते हैं इक्वेशन में। कंबाइंड मीन इक्वल्स टू मीन 1 × n1 प्लस मीन 2 × n2 अपॉन n1 प्लस n2। फिलहाल क्योंकि सिर्फ दो सीरीज ही है हमारी तो हम दो तक ही जाएंगे, तीसरा लिखने की जरूरत नहीं है फॉर्मूले के अंदर, दो तक ही रहो, तीसरा मेंशन ही ना हो। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, सबसे पहले मीन 1, मीन 1 की वैल्यू क्वेश्चन आपको मेंशन कर रहा है कितनी 24 इंटू एन वन, एन वन हमारे पास कितना 20 प्लस मीन 2 आपको मेंशन कर रहा है 34, एन 2 की वैल्यू है 30 अपॉन एन 1, एन 1 की वैल्यू आपको बताया, एन 1 की वैल्यू है 20 और एन 2 की वैल्यू आपके सामने रखी है 30, सॉल्व करते हैं 24 × 2 ये आ गया आपका 480 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पर, 34 × 30 अगर हम करते हैं तो ये आपका बैठेगा 1020, चेक कर लेंगे सभी लोग एक बारी, ठीक है, अपॉन में 20 + 30 आ गया हमारा 50, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, 480 + 1020 हो गया दोस्तों हमारा 1500, 1500 अपॉन 50 करूंगा
तो ये दोस्तों 0 से 0 करने के बाद हमारा आंसर आ गया कितना 30। इसका मतलब है हमारा जो कंबाइंड मीन है इस क्वेश्चन का उसकी वैल्यू आने वाली है 30। ठीक है, ये दोस्तों हमारा इसका सॉल्यूशन रहेगा। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग भी करके देखेंगे, क्वेश्चन नोट करेंगे।